अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछ रहे हैं जी? इसका लाइसेंस, आईडी कार्ड और इसकी कॉपी है पुत्र आपके पास? मेरा बच्चा, नाम क्या है आपका? सिकंदर। सिकंदर, इतना सोना नाम यार, प्यारा नाम है आपका। कब से चला रहे हो बेटा? साल हो चला। तो कितना कमा लेते हो? 1000-1200 फाड़ ली तरह। तो घर में और कोई है कमाने वाला? अबू काला दरकान मंजी पे। अच्छा, क्या सूरत हाल है जी? क्या पापा का क्या मसला? कितने बीमार है? कितने? अब्दुल्ला मलिक साहब, जो लोग इसी तरह के ही हम दिखा भी रहे हैं, कोई अंडर एज हैं। मैंने इसी वजह से बात किया। ये बात मुदस्सर साहब कर चुके हैं, और इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें क्या रोल हो सकता है? क्योंकि आप जो हैं वो अदालत के ऑब्जर्वर के हैसियत से इधर इस जगह खड़े हैं। अब ये बच्चा जो है, आप इसका देखें कि ये कोई 1200 रुपया कमाता है दिन का, इसकी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, ये अंडर एज है, इसके पास लाइसेंस नहीं है, 1200 इसने लेके जाना है तो घर चलना है, इसका क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, इस फैक्टर को कैसे एड्रेस करेंगे? दो तीन चीज़ें बढ़िया है। बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, मेरा ख्याल है कि ये लोगों को समझना चाहिए। पहली बात यह है कि मेरी जान और माल का तहफ़ रियासत की जिम्मेदारी, मेरे रोज़गार का तहफ़ रियासत की जिम्मेदारी। आप वो इदारे जो आपको वॉच कर रहे हैं, या हम अदालत की वसादत से ये भी कहेंगे कि उन इदारों को तलब किया जाए, ताकि इनकी मैशियत के लिए कोई ऐसे अरेंजमेंट किए जाएँ कि एक मासूम बच्चा जो घर से निकलता है, जो कातिल बनकर निकलता है, देखना इसके एक नजर। सवाल रिफ्रेश कर लो, क्या अदालत जो है वो सीएम पंजाब को तलब करेगी और उनसे उन्हें ऑर्डर करेगी कि रियासत होगी माँ की जैसी, और उस माँ का फ़र्ज है कि इस बच्चे को, आप अगर रोज़गार इसका ले रहे हैं और ये कम उम्र भी है, ये फाल भी नहीं करता, और कोई आर्ट जानता नहीं है, और कोई आर्ट नहीं जानता, इसका फिर क्या रियासत को अपनी जिम्मेदारी प्ले करने के लिए आप कोर्ट से कोई अहकाम, कोई ऐसी चीज़? बिल्कुल, देखिए, इन प्रोग्राम्स के बुनियादी मकसद ही होता है कि आप फिर फील्ड से फीडबैक लेते हैं। बिल्कुल, ऐसे इदारे जो इन चीज़ों से वाबस्त हैं, इकॉनमी से वाबस्त हैं, रोज़गार से वाबस्त हैं, एम्प्लॉयमेंट से वाबस्त हैं, अब चूँकि नई हुकूमत आई है, तब्दीली की हुकूमत आई है, तो आपने बड़ा अच्छा किया ये बताया, अदालत बिल्कुल तलब कर सकती है कि एनालिसिस आए हैं कि इतने परसेंट लोग वो हैं जो सिर्फ अपने फैमिलीज को फीड फूड करने के लिए, उनकी मजबूरियाँ हैं कि वो बच्चे छोटे हैं, चूँकि बाप नहीं है, माँ है, वो अनएजुकेटेड है, अब इसने कहीं से कहीं तो जाना है, या हम इसे स्कूल भेजेंगे तो इसकी फैमिली कहाँ से जाएगी? लिहाजा रियासत की जिम्मेदारी है कि इसकी फैमिली को फीड फूड करे। तो मेरा ख्याल है कि उनको बुलाकर पॉलिसियाँ बनवाई जा सकती हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरा ख्याल जी, सबसे पहले इसकी ना ट्रैफिक पुलिस वाले एक लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि कहाँ कहाँ पे ये जो अंडर एज कम उम्र बच्चे जो है ना वो ड्राइविंग करते हैं। बड़ा आसान है, कम उम्र बच्चों का आप अहमद साहब की ड्यूटी लगा देंगे ना, एक मोरिया पुल में अगर ये खड़े होते हैं और इस एरिया के अगर इंचार्ज हैं, तो इन्हें पता होगा 10-15 दिन में कि कौन से बच्चे जो हैं रूट्स इस पे जाते हैं और उनकी तादाद कितनी है। फिर अब्दुल्ला मलिक साहब जैसे जितने भी अफराद हैं, उनके लिए बड़ा आसान होगा कि इस मसले को एड्रेस किया जाए कि ये रोज़गार भी ना छीना जाए, इनके रोज़गार भी चलते रहें, और वो रियासत होगी माँ के जैसी, वो भी अपना रोल प्ले करती नजर आए, ताकि इनके घर का चूल्हा ठंडा ना हो, और कानून की इम्प्लीमेंटेशन, कानून का जो बालादस्ती है उसे भी कायम किया जा सके। फारूक साहब क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम ये किसी भी सूरत में हम भी ये नहीं चाहते कि लोगों के घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ जाएं। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा करे। पुत्र कितने चला है, क्या हाल है? एक सोने कितने? मैं दुकान पर। क्यों? मैं सामान लेने आया हूँ। सोने तू निकाल जाए, मैं तेनों नहीं पता एडा क्या, तू छोटा जा ऊपर तो है ना, ऊपर बैठ मेरा बच्चा। चला लेते हो जब हम चलाते हैं, आपकी टांगे नीचे लग जाती हैं? हाँ लग जाती टांगे, हाइट तो अच्छी है। हाँ लग जाती। हाँ जी, थोड़ी देर, 15 मिनट हो इन्हें। 15 मिनट सही है। मेरा पुत्र, नाम की तेरा? नाम ही सोना वा, काम क्या हो जाने पुत्र? बेटा आप नहीं चला सकते इस बाइक को, उसकी वजह पता क्या है? पता है वजह? आपको पता है कि आप कानून के मुताबिक इस बाइक को नहीं चला सकते, आप छोटे हो अभी है। ये मोबाइल भी साथ साथ इस्तेमाल करते हैं, ये आप इनबॉक्स में चले जाएं तो ये मैसेज भी किए होंगे। आखिरी मैसेज कब किया है? मैं मुझे बाइक चलाते मैसेज तो हो जाता है, वैसे सच बोल दो। मैं पकड़ा ही नहीं हूं। हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है? वैसे पकड़ा है। बेटा जी, आपको पता है कि आपकी जिंदगी कितनी कीमती है, और आपकी ये उम्र नहीं है। किधर है जी? बाइक चलाए मलिक साहब, आइए इनसे पूछें कि ये क्यों चला रहे हैं। बेटा बात सुनो, आपको मालूम है, आपको ये पता कि हमारे मुल्क का कानून है कि जो बच्चा अंडर एज है, 18 साल से कम है, जिसका शिनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, जिसका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, तो क्या वो मोटर बाइक चला सकता है?
आपने ये मोटरसाइकिल किसी से चलानी सीखी? कोई इदारा था? खुद ही सीखी? तो आपको पता है कि कितनी स्पीड शहर में रखनी चाहिए? पता है आपको, जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं आपको पता है कि किस रोड पे कितनी स्पीड रखनी है? आपको पता है कि हॉस्पिटल के आगे हॉर्न बजाना मना है? आपको पता है कि तालीमी इदारे के आगे जब गुजरेंगे तो स्लो होना चाहिए? आपको पता है कि जब कोई पैदल चल रहा हो तो सबसे पहले उसको रास्ता देना चाहिए? आपको ये सारी चीज़ें पता है? पता है आपको नहीं। तो बेटा जब आपको नहीं मालूम तो फिर आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए ना। अगर आपको चोट लग जाए, आप जख्मी हो जाए, अल्लाह ना करे आपको बाजू टूट जाए, आप मजदूर हो जाएं इस सिर्फ अनजानेपन की बुनियाद पर, तो क्या होगा? अगर आप तेज़ आ रहे हैं मेरी जान ले लें तो कौन जिम्मेदार होगा? आप, आपके वालदैन, जो कौन जिम्मेदार है बेटा, बताओ इस पर। अच्छा वैसे एक बड़ा बुनियादी सवाल है बेटा, अगर लेफ्ट मुड़ना है यानी कि लेफ्ट साइड पे आपने टर्न लेना है तो क्या करेंगे? इशारा नहीं है तो हाथ देंगे। इशारा है कि नहीं लगा हुआ? कोई लेफ्ट नहीं है। राइट पे टर्न लेना है तो कोई इशारा है? नहीं। तो बेटा जब आप सीधे जा रहे हैं, जब आप लेफ्ट टर्न लेंगे या राइट टर्न लेंगे तो पिछले बंदे को तो नहीं पता चलेगा आपने इधर मुड़ना है, तो फिर क्या होगा? ठीक है, इशारे तो लगने चाहिए। इशारे लगने चाहिए ना, आप समझते हैं। तो अगर आप बगैर इशारा दिए लेफ्ट राइट और आपको इवन चलाना नहीं आता, आप चला ही नहीं सकते, तो फिर भला क्या होगा? आप समझते हैं क्या होगा? गाड़ी को 16 पे बंद किया जाएगा। नहीं, बंद करने के अलावा क्या हो, क्या सकता है रोड के ऊपर? एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? किसी की जान जा सकती है, आपको कुछ हो सकता है, इवन हो सकता है कि कोई घर का वायद कमाने वाला हो। सर ये सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोजाना के हादसात में जो लोग शदीद जख्मी हो रहे हैं, इन बच्चों के साथ वो लोग हैं जो वाहिद कमाने वाला है। मतलब इसका बहुत बड़ा एक सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कि जो बाहर लोग निकलते हैं वो वाहिद कमाने वाला होता है, और जब उसके साथ हादसा होता है तो उसकी पूरी फैमिली के साथ हादसा होता है। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बात जो बड़ी अहम है, हम जब यहाँ पे आए हैं तो फहद, हमारा बुनियादी मकसद ये है कि पर्पज ये है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। हमें फहद हॉस्पिटल भरने नहीं है, हमें खेलों के ग्राउंड आबाद करने हैं, हमें तालीमी इदारे आबाद करने हैं, हमें लोगों की जिंदगियां बचानी है। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। आईडी कार्ड बन गया? आईडी कार्ड नहीं बना, डोमिसाइल मिला हुआ घर में। 19 उम्र? हाँ जी 19 साल। तो अंडर एज तो फिर ना हुआ ना, है ना? लेकिन देखिए ना, अगर अंडर एज नहीं है और विदाउट लाइसेंस चला रहा है तो ये भी गैर कानूनी है। सर देखिए, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर एक आदमी की उम्र 40 साल है, लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस नहीं है तो इसका मतलब यही है कि उसके पास सीधा साधा मेरा पुत्र लाइसेंस नहीं। देखो सर, हम लाइसेंस बनवावांगे, कमावांगे तो बनवावांगे, जो हम सी कमाना ही नहीं तो लाइसेंस कितों बनेगा साडा? लाख रुपए का लाइसेंस नहीं बनता मेरा बच्चा सर। हम गोलियां ओ ना गोलियां ना दे मेरा बच्चा है, सवेर की गड्डी गड्डी हूं आए हैं। कमाना जरूरी नहीं है, लाइसेंस होता है कि आप ट्रेंड हैं, आप रोड पे आ सकते हैं। जब आप इजाजत नामा है नहीं है तो फिर आप मुजरिम है, अभी भी आपकी गाड़ी और आप दोनों बंद हो सकते हैं, इसलिए कि आपके पास लाइसेंस चलने का नहीं है। देखे ना, मैं अगर गाड़ी चलाऊंगा तो मेरे पास लाइसेंस जरूरी है। वो क्या चीज होती है? हाँ वाकई ये ड्राइविंग जानता है, एक्सपर्ट है, तो आप नाड़ीपन हो गए तो आपके अगर लाइसेंस होगा तो आप पे जुर्म की नौयत कम होगी। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपने एक्सीडेंट किया है तो फिर आपके पूरे का पूरा जुर्म आप पे साबित होगा, आप पे सजा ज्यादा होगी। लाइसेंस अहमद साहब किधर है जी? हाँ जी, हाँ जी मदद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इनका जो बंदोबस्त करे, इनकी जो रोजगार है इनका बंदोबस्त करे, ये लिस्टें दें ट्रैफिक वार्डन जो है, इनको पता है कौन कम उम्र जो बच्चे हैं वो ड्राइविंग करते हैं, इनको जो मोटरसाइकिल पे चलते हैं। आपको एक और नौजवान से मिलाते हैं। अच्छा दूसरा बात करते जाएं आप। हाँ जी दूसरा मैं फहद भाई ये बात करना चाहूंगा, टांगे भी नहीं नीचे लग रही इसको, जरा बैठो 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 बैठ जाओ मेरा बेटा, बैठ जाओ बैठ, टांगे नीचे लगाओ, टांगे नीचे लग रही है नहीं लग रही? क्या नाम है तुम्हारा? शकील। क्या नाम है शकील? पूरा नाम क्या है? शाह जी है। तो मुझे ये बताओ कि क्यों चलाते हो ये बाइक? मेरे वाले साहब बीमार हैं। वाले साहब बीमार हैं? भाई ये आप बड़े भाई हैं जी? इधर आए आप भी, क्या बात है, इसको क्यों चलानी पड़ती है बाइक? वाले साहब मेरे ठीक नहीं है आजकल, ये दोनों भाई हम गाड़ी चला रहे हैं। आप भी साथ चलाते हो? हाँ जी। तो ये तो बच्चा है बेटा, आप खुद चला लिया करो। आप खुद ही चला रहे हैं, गाड़ी खराब है, चैन रथ रहा सर, चैन तंग कर रहा है गाड़ी का। तो ये बड़ा एक्सपर्ट है ये, देखो ये तो सारा दिन चलाता रहा है। वही सर चैन लत रहा है ना, इसलिए इसको दे देते हो जब चैन उतरना शुरू हो? नहीं नहीं हाँ। वो चेहरा क्रॉस कर रहा है, मैंने पीछे से धक्का लगा जब चैन उतरना शुरू हो जाए शकील को दे देते हो? नहीं के पुत्र तू साम? नहीं नहीं सर। बेटा इसको तो नहीं आप दे सकते ना, आपका लाइसेंस बना हुआ है? आईडी कार्ड है, लाइसेंस नहीं है। तो पुत्र लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? बनने के लिए क्या हुआ भाई को? कब कहा था? पिछले साल कहा था? हाँ जी। 2 साल हो गए गए हुए?
उन्होंने कहा मिल जाएगा मेरा बच्चा, एहतियात किया करें यार, हैं? मेहरबानी। इससे एक और चीज पूछ लेते हैं, अगर आपने राइट साइड पे दाएं हाथ सीधे हाथ मुंडो तो क्या करते हो, सीधे जा रहे हो? से देख से बेटा इंडिकेटर है, इंडिकेटर नहीं देंगे आपको कैसे पता चलता है कोई ट्रैफिक आ रही है? इशारा क्या होता है बताएं, किस मकसद के लिए होता है ये? आपका जो किधर गया ये कान जो जो है ये कहाँ है जी? इशारे देख ले, कान होते हैं इसके, ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी गाड़ियां रोड पे मौजूद है कि आप हैरान हो जाएं। और ये वो गाड़ियां हैं जो कोई भी बड़ा सानिया जिनकी वजह से पेश आ सकता है। एक लम्हे की, लम्हा भी कहना बहुत बड़ा है, लम्हे की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, उम्र ज्यादा है भाई, जो कोई नैनो सेकंड जो है उसकी गफलत भी आपको इस दुनिया से। मुझे अब आप इस चीज का ना यहाँ देखे एहसास हो रहा है कि वाकई ही सोचने की जरूरत, जो आप कह रहे थे कि इसमें प्लानिंग, अब देखें ये प्लानिंग किसी ने करनी है? ये चिंग चिंग रक्षे अहमद साहब ये दोस्त कहेंगे कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, किसी ने सोचा है कि यार इसकी लिमिट कहाँ खत्म होगी, इसकी रिप्लेसमेंट अपने क्या देनी है? रोजगार का यही तो तरीका नहीं है ना, रोजगार के बहुत से, ये कौन सोचेगा? ये हमारे हुकूमती इदारे सोचेंगे, हम नई हुकूमत से उनके रफाकार से आपको शाहकार से मिलाते हैं। फारूक साहब साथ हैं, अहमद साहब साथ हैं, अब्दुल्ला मलिक साहब साथ हैं, मेरा पुत्र, अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा बच्चा, क्या नाम है? टांगे लगती हैं इसके नीचे? टांगे लगती हैं? नहीं नहीं लगती लगती हैं ये देखो। अच्छा लगती हैं। अच्छा मुझे बताओ कि पूरा नाम क्या है? इमरान। इमरान, तो इमरान साहब ये आप चिंगची क्यों चलाते हैं मोटरसाइकिल, ये रिक्शा क्यों चलाते हैं, क्या वजह? क्या करें, कमाने के लिए ना, कमाने के लिए। तो साथ साथ आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। आई डी कार्ड बन गया? अभी जमन भर जी भाई, अभी नहीं बना, आई डी कार्ड ही नहीं है। अच्छा, और इसमें वो इशारा होता है आपने सज्जे खब्बे के लिए, हैं राइट लेफ्ट जिसे कहते हैं, स्विच भी दिखाएं। ये गाड़ियां कैसे रोड पे आ जाती हैं ये आप देख सकते हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, ये गाड़ियां रोड पे कैसे आ जाती हैं? ये स्विच वाला जो है वो वही गायब है, इशारा कोई नहीं है, इनके पास लाइसेंस है नहीं, और इन्होंने कमाना भी है। जो पांव रखने वाली जगह है वो भी वहाँ पे, वो कवर भी नहीं है, वो भी वहाँ पे पांव स्लिप हो सकता है जो हादसे का सबब। आए जरा दिखाएं जी इधर, ये जो रबड़ इधर लगा होता है जहाँ इन्होंने पांव रखना होता है, इस जगह आपको ये नजर आएगा कि इस पर कोई रबड़ चढ़ा होता है जो आपके स्लिपरी को रोकता है। ये इसके अलावा बड़ी अहम चीज है, हमने पहले भी ये कहा है कि इसका चूंकि मॉडल रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये बजाते खुद गैर कानूनी है, ये एक्साइज के दफ्तर में एज ए मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है, उसकी चीज तो हो सकती है। जो बैक वाला जो इसका पूरा का पूरा पोर्शन है वो इलीगल है। अब एक गैर कानूनी चीज को आप जब रोड पे आएंगे और कहेंगे कि ये रोजगार कमाने का जरिया है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, अच्छा एकदम नहीं किया। शाहरुख खान, क्या हाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है। मेरा बच्चा कितने चला है? काम पे जा रहा हूँ। वो तेरी खैर हो जाए, क्या काम करता है बच्चा? बारबेक्यू का। वो तेरी खैर, कौन सा, बीफ का? चिकन। चिकन का मसाला कौन सा डालते हो? रंग लगाते हैं। रंग लगाते हो, कौन सा? जलेबी रंग और नमक मर्च और जो मसाले हैं तिकम। नया प्रोग्राम है, बारबेक्यू को जलेबी रंग लगाते हैं, वो ताड़ी खैर। तो वो उसे रंग उसका ब्राउन हो जाता है ना? नहीं, रेड। रेड सा हो जाता है, अंदरों कच्चा भी होता है पता नहीं लगता। नहीं कच्चा नहीं होता, तैयार ही हो जाता है। तैयार ही होता है, हाँ जी। अच्छा तो कब से बारबेक्यू कर रहे हो आप? मुझे 6 साल हो गए हैं। 6 साल, अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी 14 साल। 14 और 6 साल से बारबेक्यू कर रहे हो? हाँ जी। कौन सा पीस अच्छा बनाते हो, चेस्ट पीस अच्छा बनाते हो, लेग पीस अच्छा बनाते हो? लेग पीस ज्यादा मजेदार बनाते हो। आप गाड़ी क्यों चला रहे हो? एक टेक्निकल चीज है। अब अगर इस बच्चे का लीगली चलान हो तो इसमें 4 जुर्म लगेंगे। पहला, ये हेलमेट नहीं पहना। नहीं नहीं, अंडर एज है। दूसरा, इसकी लाइट नहीं जली होगी, इंडिकेटर नहीं है। अहमद साहब किधर है? ये भी नहीं मालूम कि स्पीड कितनी है, स्पीडोमीटर खराब है, जब इसको पता नहीं किस स्पीड पे जा रहा है। पूछे इससे, क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा अहमद साहब ये बताइएगा, अगर इसकी लाइटें नहीं है, इशारे नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, तो इसमें कितने जुर्म लगेंगे? तो फिर ये बच्चा दिन में क्या कमा के जाएगा, या वालदैन को 1000 रुपए का नुस्खा ठोके जाएगा, ये थोड़ा सा बताइएगा कानून क्या कहता है? ये तो वायलेशन हो गई है। हेलमेट नहीं है, अंडर एज है। इसके बारे में हम सीटीओ साहब की डायरेक्शन के मुताबिक पहले ही लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम लाहौर न्यूज चैनल के शुक्रगुजार हैं कि आप भी सिटी ट्रैफिक पुलिस का हिस्सा बने हो, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हो कि हेलमेट पहने, और ये कम उम्र बच्चों को जो वालदैन बाइक देते हैं या गाड़ी देते हैं वो अपने बच्चों को मौत के मुंह में धकेलते हैं खुद जाके। तो इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी कर रहे हैं उनके खिलाफ, इनको अवेयरनेस भी देंगे और कार्रवाई भी। जब इसे दाएं मोड़ना हो सज्जे, तो क्या चलाते हो?
इंडिकेटर हाथ दे दो दे और एक हाथ छोड़ देता शेयरिंग को। यकीन करें कि मैं कल के प्रोग्राम में आया हूँ, आज प्रोग्राम में आया हूँ, और अब मुझे समझ आ रही है कि लाहौर जैसे शहर में रोजाना 300 एक्सीडेंट क्यों होते हैं, रीजन क्या है, और इसमें 80% बाइक इन्वॉल्व क्यों होते हैं। इंडिकेटर नहीं है, स्पीडोमीटर नहीं है, अंडर एज ड्राइविंग है, बैक व्यू मिरर नहीं है, तो एक्सीडेंट तो होंगे सर, एक्सीडेंट तो और सूरत में होंगे। और जब तक अंडर एज ड्राइविंग, जब तक लाइसेंस सिस्टम, और सबसे बड़ी बात है वार्डन की रिस्पेक्ट। सर जब आप वार्डन की खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बड़े रीजनेबल लोग खड़े होते हैं, हेलमेट उन्होंने पहना होता है, लेकिन वो इशारे को देख रहे होते हैं, वार्डन अगर साइड पे करता है तो हम खुद इशारा तोड़ते हैं, बहसीत कौम हम खुद इशारा तोड़ते हैं, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते। सर पूरी कौम को लगना पड़ेगा, वालदेन को, भाइयों को, टीचर्स को, और फिर ये मेरे वार्डन जो शेर जवान हैं ये इस काबिल होंगे किस ट्रैफिक को बेहतर कर सके। एक चीज़ तो हुई है आपके प्रोग्राम की फसादत के बाद, अवेयरनेस के बाद, कि लाहौर हाई कोर्ट के जनाब अली अकबर कुरैशी साहब ने लाहौर जो माल रोड है उसको मॉडर्न करार दे दिया है। अब 23 तारीख के बाद कोई शख्स माल रोड पर फोटो स्टेडियम से लेके पीजीएम चौक तक बगैर हेलमेट के नहीं आ गया पहले मरले में। अब दूसरे मरले में जो पीछे बैठा होगा उसके लिए भी लॉ है कि वो भी उसका भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। लिहाजा प्रोग्राम तमाशा की वसादत से हम अपने दोस्तों को, फैमिलीज को, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं कि 23 सितंबर के बाद माल रोड पर ये न कहिएगा कि आपका बेटा थाने क्यों चला गया, आपका बेटा कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, आपके बेटे के सर पर हेलमेट नहीं होगा तो जान से हाथ धो बैठेगा, फिर आप रोएंगे कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, गाड़ी वाले टक्कर मार गया। हम सबकी जिम्मेदारी है कि कीमती जानों को ज़ाया होने के बचाया जाए। ये कौमी शऊर की मुहिम है। हम आपके चैनल को सलाम पेश करते हैं, लाहौर न्यूज़ को सलाम पेश करते हैं। देखें जो आज आर्डर हुए हैं उसमें आपके प्रेजेंटेशन लिखी गई है कि वही चैनल है जो पैमरा के कवानीन से बालातर होकर उनसे एक कदम आगे जाकर लोगों को एजुकेट कर रहा है। यही मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार साफ़त की, एक जिम्मेदार साफी की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। और भाई जो सबसे अहम बात है ना, जो वन व्हीलिंग वाले केस है ना, उसमें जब वालदैन पकड़े जाते हैं ना, तो वालदैन एक ही बात करते हैं कि जो बच्चे हैं ना वो हमारे कहने पे नहीं आते, हमारा कहना नहीं मानते, ज़बरदस्ती मोटरसाइकिलें ले जाते हैं। तो जो बच्चों, अब बच्चों की सजा जो है ना वालदैन को भुगतना पड़ती है, उनको सजाएं होती हैं। जब उनको बाहर सफ़र करना पड़ता है तो उनका नाम जो है ना वो FIR के होने की वजह से वो उस लिस्ट में होता है कि क्रिमिनल लिस्ट में होता है।